हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक फायरमैन की वैकेंसी आया है जो है AAD कॉलेज जो गोपालपुर में आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में, वहां पर की अंदर की फायरमैन सर्विसेज होता है। यहां पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं कैंटोनमेंट है, वहां पर ग्रुप सी वैकेंसी का गवर्नमेंट पोस्ट का फायर सर्विस मैन रहते हैं, वहाँ पर स्पेशली वुमेन काम नहीं करते। वहाँ पर फायरमैन की जो सर्विस होता है, पहली तो अग्निवीर नहीं है, दूसरी कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, तीसरी ये गवर्नमेंट सर्विस है। यहाँ पर आप 58 इयर्स तक सर्विस कर सकते हो, 20 इयर्स के बाद आप वॉलंटियर रिटायर ले सकते हो, तो पोस्ट में कोई कमी नहीं है भाई। आपको पता है अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पोस्ट अच्छा रहूँगा, ठीक है, इसमें डाउट नहीं करना। टोटल जो वैकेंसीज है वो काफ़ी कम है, क्योंकि एक ही ट्रेनिंग सेंटर में तो 15 की जो वैकेंसी है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है 15 की वैकेंसी, हमें एक पोस्ट से मतलब है, यानी एक पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है। वहाँ पर चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या चाहिए आपको। 10th पास आपका होना चाहिए, हाइट आपका जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके साथ आपकी जो चेस्ट है गाइस वो 81 से लेके 85, यानी 80 आपका होना चाहिए और 85 आपका एक्सपेंशन, मतलब 5 मीटर एक्सपेंशन के साथ चाहिए। इसमें पहले क्या होगा, पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ऑफलाइन फ्री फॉर्म है, कोई पैसा नहीं है, फ्री में आप अप्लाई कर सकते हो। डेट में बता देता हूँ आपको, आज है, मतलब 28 है, 28 अक्टूबर है, आज की डेट में अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, आज ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। डिटेल जो नोटिफिकेशन के जो PDF है, हमने आर्मी सर ऑफिशियल जो हमारे टेलीग्राम चैनल वहाँ पर मैंने डाल दिया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लगता है वो पोस्ट अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो रहेगा वो 12 नवंबर का रहेगा, यानी 12 नवंबर से पहले आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है। यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपकी जो मिनिमम वेट है वो 50 kg का होना चाहिए, आपकी चेस्ट 81.5 मिनिमम और एक्सपेंशन के बाद 85 आपका होना चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट है, यहाँ पर 163 का जो वेट कैटेगरी है ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट पहले होगा, फिर होगा आपका रिटन टेस्ट, फिर आपका मेडिकल टेस्ट, फिर आपका हो जाएगा क्या मेरिट लिस्ट। जो फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, एक जो लड़का है 63.5 kg का वो लेके दौड़ेगा, 183 मीटर 183 मीटर दौड़ेगा 64 kg लेके, और उसको विद इन 96 सेकेंड में, मतलब बिलो 2 मिनट के, मतलब 1 मिनट समथिंग, मतलब 96 सेकेंड में इसको आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है, कोई इसमें ग्रुप नहीं बनेगा। उसके बाद 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, ठीक है, लॉन्ग जंप मारेगा तो बोथ फीट, मतलब ये जो एक होता है कि आप एक पैर लेके वहाँ पर जंप करें, वहाँ पर लेके दोनों फीट एक साथ जंप करोगे, 2.7 नॉट ए बिग इशू, 2.7 बहुत कम होता है। क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड्स एंड फीट, आपकी जो पैर है और हाथ है इन दोनों को मिला के आपने वर्टिकल रोप चढ़ना है, यानी सीधा चढ़ना है वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल और मंकी रोप इन इंडियन आर्मी वॉर्स। जब ये आता है आपने देखा होगा काफ़ी बार, तो ये जब चढ़ते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं मंकी रोप बोलते हैं, किसी दिन वीडियो में अगर आपको चाहिए बता देना, वहाँ पर स्टेप्स बाय स्टेप चढ़ते हैं। ये वर्टिकल रोप आपका ये 3 मीटर यहाँ पर चढ़ना है, पहले आपका होगा फिजिकल, फिर आपका होगा रिटिन होगा, फिर आपके ऑल मेडिकल, फिर ऑल इंडिया बेसिस में होगा। इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है, आपकी जो बेसिक पे स्टार्टिंग होगा 19,900, यानी 20,000 आपकी बेसिक पे होगा सिर्फ। इसके ऊपर आपको DA, HRA, उसके साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस जो एक इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को मिलता है, सारे के सारे आपको मिलेगा। यानी अगर आपकी 20,000 स्टार्टिंग सैलरी है, तो आपकी पेमेंट लगभग स्टार्टिंग जो होगा 37,000-38,000 आपकी स्टार्टिंग होगा। आपकी यूनिफॉर्म कौन सी मिलेगा वहाँ पर, वहाँ पर आपकी जो यूनिफॉर्म रहेगा पुलिस वाला यूनिफॉर्म रहेगा, खाकी वर्दी रहेगा। वहाँ पर पोस्टिंग का रहेगा आपकी AAD कॉलेज गोपालपुर उड़ीसा, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज वहीं पर रहेगा आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर है। कहीं ऐसा कुछ काम क्या रहेगा, जैसे आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, अंदर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर कहीं हादसा हो गया या फायरमैन परेड करना है, आग की परेड चलाना है, कैसे फायर फाइटिंग करना है, वहाँ पर जो सिखाते हैं आपको उनमें कोई काम नहीं। लेकिन जब ऐसे एक्चुअली में कहीं भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर उसमें कहीं आग लग जाता है, ऐसा कोई केसेस होता है, तो आपको वहाँ से मूव करना है, नहीं तो बाकी टाइम आपने सिर्फ रेस्ट करना है, कोई काम नहीं है। तो नौकरी के मामले में नंबर 1 नौकरी है, आपको चाहे अच्छा लगता है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स और जानना है, कोई डाउट्स आपके रह गया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहां से कमेंट्स कर सकते हो। साथ में मेरा मेल आईडी आपको अवार्ड में सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से मुझे आप पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।